प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये कानून है, बहुत लंबा नाम है। इसका मतलब है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून 2005। और कुछ बातें हम नोट करेंगे, बहुत सारी बातें हम समझते चलेंगे, आप इन बातों को देखते चलना। पहली बात तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, आपको समझा दूं, भारत के लिए एक नया कंसेप्ट है, बिल्कुल नई बात। नई बात का मतलब ये मत समझना कि कल ही हुआ, नई का मतलब मिडाइवल एरा से ही आया होगा, कब से आया हमको आइडिया नहीं। क्योंकि जब हम महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमन की बात करते हैं हमारे देश में, इंडिया में, तो मैंने कई बार ये कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा सम्मान किसी को दिया जाता रहा है तो महिलाओं को दिया जाता रहा। नवरात्र के समय पहले, अभी तो दुनिया बदल गई एकदम, आज से 10 साल पहले ही नवरात्र के टाइम पर ऐसे वाले मैसेज चलते थे, कैसे वाले, कि जिस देश में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उसी देश में देवी की पूजा की जा रही है, ये पाखंड है, ऐसे वाले मैसेज चलते थे, लोग स्टेटस बनाते थे। जबकि दो अलग अलग तरह के लोग हैं, वो जो हिंसा कर रहा है वो अलग आदमी है, जो पूजन कर रहा है वो अलग आदमी है। और हम क्या समझ रहे हैं कि जो सुबह हिंसा कर रहा है शाम को पूजन कर रहा है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा बताया जा रहा है तो आपको जागना चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट आपको रेफर करना चाहिए, उसका नाम है जय संहिता। दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, उसका नाम बाद में पड़ गया महाभारत, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है वेदव्यास। 100,000 इसमें श्लोक थे और ये भारत के बहुत प्राचीनतम इतिहास के बारे में बात करता है, जिसको कि अब मैथोलॉजी बता दिया गया, क्योंकि जो जो बातें वहां हैं वो सारी चीजें, वो डायनेस्टी आज भी दिखाई पड़ती है। कुरुक्षेत्र आज भी है, हस्तिनापुर आज भी है, इंद्रप्रस्थ आज भी है ना, इंद्रप्रस्थ वही है जहां पर मैं अभी दिल्ली बन गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। उस डॉक्यूमेंट में पढ़ने के लिए मिलता है कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है राजा शांतनु, और राजा शांतनु को करना है विवाह। तो राजा शांतनु जो है, एक महिला जिसका नाम की गंगा है, उसको प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है, आई लव यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, वुड यू मैरी मी। प्रपोज कर रहा है आदमी, और महिला जो कह रही है इससे सिर्फ ये बात पता चलती है कि महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि वो एक ही बात कहती है कि मैं तैयार हूं, बस एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। शर्त कौन लगाता है पता है? शर्त हमेशा वो लगाता है जो ज्यादा अच्छी स्थिति में हो, ध्यान रखना हमेशा के लिए। हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, हम लॉ में पढ़ते हैं कि हस्बैंड डोमिनेटिंग पोजिशन पे होता है, एक हिंदी में शब्द आता है अधिशासी स्थिति। तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो होता है वो शर्त लगाता है हमेशा ही, ऑलवेज। शर्त लगाना मतलब वो बेटिंग वाला शर्त नहीं है ना, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन कौन लगाएगा? जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा। तो वो शर्त कंडीशन लगाती है, वो कहती है कि मेरे कंडक्ट पर क्वेश्चन मत उठाना, मैं जो कुछ भी करूंगी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये वो कहती है। और शांतनु तैयार होते हैं, कहते हैं ठीक है। मतलब समझना एक बात आप जानकारी के लिए, हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस में, महिला की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और लिबर्टी बहुत जरूरी चीज है। वो घर से बाहर जाना चाहती है, उसको पति रोक नहीं सकता, अगर रोकेगा तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी इंसान से मिलना चाहती है, whosoever it may be। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिल सकती है, किसी से भी मिलना चाह रही है। वर्ड हमारे पास लिखा है इन ऑर्डर टू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन, हो सकता है वो उसके परिवार वाले हो, उसका दोस्त हो, उसकी बहन हो, व्हाटएवर इट मे बी, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने से रोकना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके हर एक कंडक्ट पर क्वेश्चन मार्क उठाना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। बहुत ब्रॉड है ये लॉ, मैं समझाता हूं आपको, भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चल रहा है। और वो यही कह रही है कि डोंट रेज क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ माय कंडक्ट, मेरे किसी भी आचरण पर प्रश्न मत उठाना। और कर क्या रही है वो, पहला बच्चा पैदा होता है गंगा उसको मार देती है, दूसरा बच्चा पैदा होता है गंगा उसको मार देती है, सातवें बच्चे तक गंगा उनको मार देती है। इसकी अलग कहानी है, क्यों मार देती है, क्या करती है, मैं माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहा, मैं तो समझा रहा हूं कि विमेन का स्टेटस क्या था। और जैसे ही आठवें बच्चे को मारने वाली होती है तो शांतनु पूछते हैं कि क्यों तुम हमारे बच्चों को मार रही हो, ये नहीं पूछ रहे हैं कि कहां जा रही हो, किससे मिल रही हो, मार रही है बच्चों को। और गंगा क्या कहती है पता है? वो कहती है कि यू ब्रीच द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात हुई थी कि डोंट रेज क्वेश्चन, प्रश्न नहीं उठाना। और वो कहती है अब तो मैं चली, बात खत्म हो गई वहां पर। ये राजा है, कहां का राजा है? भारत का राजा है, भारत खंडे जम्बू द्वीप, इस पूरे महाद्वीप, उपमहाद्वीप का राजा है वो, छोटा मोटा आदमी नहीं है। अब उसको प्रेम हो रहा है, अगर ये कहानी सुनेंगे तो लगता है कई बार कि गंगा तो देवी थी, ये थी, ऐसी वाली कहानी हमको पढ़ने के लिए मिलती है।
इसके अगले आगे की कहानी भी है। शांतनु को एक मछुआरे की बेटी से प्यार हो जाता है, उसका नाम है सत्यवती, उसको कहते हैं मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का मतलब ये होता है जिसके पास से मछली की बू आ रही हो, मछुआरी है वो, मतलब बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उसको जाके वो प्रपोज करते हैं कि मुझे तुमसे विवाह करना है, और कहानी फिर ये कहती है कि वो कहती है कि मेरे शर्तों पर, टर्म्स एंड कंडीशन मेरे होंगे। एक राजा एक मछुआरे की बच्ची से शादी करना चाह रहा है, मछुआरन से शादी करना चाह रहा है जो गरीब है, और वो कंडीशन लगा रही है, ये बता रहा है कि महिलाओं का स्टेटस कैसा था। और शांतनु फिर तैयार होते हैं, हाँ तुम्हारी शर्तों पर मैं शादी करूंगा। अगर आपने कहानी सुनी है तो उसकी एकमात्र शर्त ये थी कि तुम्हारा अगर पहले से कोई बच्चा हो तो राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, मेरे से जो बच्चा पैदा होगा वही बैठेगा। तो शांतनु कहते हैं ये वाली शर्तों पर तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि इसका रिलेशन दूसरे किसी से, एक बेटा है मेरा, उसका नाम है देवव्रत, और वो बहुत अभी युवा हो रहा है वो, और वो पुरानी पत्नी, वो आठवां बच्चा वही है देवव्रत, जिसको मारना चाह रही थी और मारने नहीं दिया। तब वो आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जीवन भर सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मेरी माता से जो पुत्र होगा वही बैठेगा, और अविवाहित रहने का कसम वो खाते हैं, कभी शादी भी नहीं करूंगा कभी, क्योंकि हो सकता है मेरी संतान पैदा हो तो वो बोलेगी मैं बैठूंगी, फिर लड़ाई होगी। और ये क्या बता रही है, बता रही है स्टेटस ऑफ वुमन के बारे में, बार बार जो मैं बात करना चाह रहा हूं। और ये बात आते आते, शायद वर्तमान समय तक आते आते, कब बदल गया नहीं पता, क्योंकि जब हम पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो वहां तो यही पढ़ रहे हैं कि यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते त्रमन्ते तत्र देवता। समझना, जब भी साहित्य लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है साहित्य लिटरेचर, हमारे पास जो एंशियंट लिटरेचर है वही हमारे लॉ बुक्स के रूप में मान्यता प्राप्त थी, चाहे वो याज्ञवल्य की स्मृति है, चाहे वो दाय भाग है, चाहे मिताक्षरा है, चाहे मनुस्मृति है, हम स्मृतियों को ही कानून, या चाणक्य, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है हिंदू विधि में, हम उनको ही लॉ मानकर चलते रहे। और जब कभी हम स्क्रिप्चर या साहित्य की बात करते हैं तो कहा जाता है साहित्य समाज का आईना है, वॉट एवर यू आर सीइंग इन द बुक। अगर कहीं लिखा है कि महिलाओं का पीछा करना अपराध होगा, इसका मतलब क्या है कि लोग पीछा कर रहे होंगे, अरे तभी तो लिखा। या लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सजा मिलेगा, इसका मतलब हो रहा होगा। और अगर पुराने समय में कहीं हमको ये बात नहीं मिली लिखी हुई, इसका मतलब है कि तब ये चीज नहीं हो रही होगी। हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ पूजन, कि नवरात्र में देवी का पूजन होगा, घर में सम्मान होगा, बेटी है तो सम्मान होगा। और जब कहा कि स्त्री धन, तो लोगों को लगा कि वो एक ऐड आया था जिसमें कहा स्त्री कोई धन है, दान करने की चीज है, ऐसा वाला ऐड आपने देखा हो तो। जबकि धन का मतलब है बहुत मूल्यवान वस्तु, पुत्र भी धन है, आपको पता ही नहीं है, वाहन भी धन है, धन और संतोष सबसे बड़ा धन है कहा गया। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तब सब धन धूरी समान। तो संतोष भी धन है, गज धन है, गाय भी धन है, गो भी धन है। और धन का मतलब हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक ही चीज है, बहुत प्रीशियस, प्रिय, मूल्यवान जिसे हम कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री धन है और उसको दान दे दिया। और जो दान शब्द है, दान के लिए कई अलग तरह की बातें, दान का एकमात्र और मतलब क्या है पता है, दान का मतलब भीख नहीं है, दान का मतलब होता है जब हम किसी चीज को विदा करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते, हम कहते हैं दान दिया। जैसे रक्तदान आपने सुना होगा, विद्या दान आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा ये सब, ज्ञान दान आपने सुना होगा। तो ऐसे ही जब कभी दान जो हम कहते हैं, जब विवाह का समय आता है तो लड़की विदा हो रही है और लड़की का पिता बदले में कुछ ले नहीं रहा है, इसलिए वहां शब्द आया है कन्या दान। इससे लड़की के डेरोगेट होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वही हम इम्पोज कर देते हैं, हम जो चीजों को देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस हुए यूएन की, यूएन बना, आपको जानकारी दे दूं 1945 में यूएन बनने के बाद यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका नाम था यूएन विमन, संयुक्त राष्ट्र महिला विंग। और यूएन विमन ने सभी देशों को यह कहा कि जब वो कन्वेंशन कर रहे थे महिलाओं के लिए, कि आपके देश में स्टेटस ऑफ विमन क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, उस पर एक रिपोर्ट सौंपी है। 1971 में पहली बार भारत में एक कमीशन बना जिसका नाम था कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमन, महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए एक आयोग बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि वही पहला महिला आयोग रहा होगा, विमन कमीशन रहा होगा। इस कमीशन ने यूएन को अपनी रिपोर्ट सौंपी, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, 1971 में, मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज हो गया था, 20 साल, दो डिकेड बीत चुके थे, दो दशक बीत गए, 71 में ये बना, 75 में रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट में कहा कि इंडिया एज अ स्टेट, भारत एक राज्य एक देश के रूप में, हैज फेल्ड टू प्रोवाइड विमेन, क्या नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो कहता है स्टेटस जो कि इक्वलिटी वाला हो,
समान अधिकार, समान स्तर नहीं दे पाए। और दूसरी बात कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी, ना तो महिलाओं को भारत सम्मान दे पाया बराबरी का, बराबरी मतलब पुरुषों के बराबर, और ना ही उनको अवसर दे पाया। जबकि हम बात कर रहे थे संविधान में आर्टिकल 14 में क्या बात कर रहे थे हम, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जैसा अधिकार पुरुष को है वैसा अधिकार महिला को मिलेगा। हमने इसको भी गलत समझा, हमने समझा पुरुष को क्या अधिकार है कि जाके वो मार्केट में सिगरेट पी रहा है, महिलाओं ने सोचा हम भी पिएंगे, या पुरुष गालियां बक रहे हैं तो बोले हम भी गालियां बकेंगे, पुरुष जींस चढ़ा के घूम रहा है तो हम भी जींस पहनेंगे, पुरुष फटा वाला जींस पहन के घूम रहा है हम भी फटा वाला पहनेंगे। नहीं, इक्वलिटी का मतलब हमेशा ही, जैसे मान लेते हैं आप किसी के इक्वल होना चाहते हैं, आप हमेशा अपने ऊपर के व्यक्ति को देखेंगे, किसको देखेंगे, हु इज अबव मी, अरे तभी तो इक्वल होना चाहेंगे। क्या आप अपने से नीचे को देखेंगे, आप यहां हैं कोई यहां है, इक्वल कैसे होंगे ऐसे? तो महिलाएं ऐसे ही इक्वल होना चाह रही हैं, बिलीव मी। इक्वलिटी का मतलब आज की रेट में सिर्फ ये हो गया कि आप, जैसे इक्वलिटी का मतलब, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, रशिया में जब यूरोपियन कंट्रीज में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं, तब इक्वलिटी का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कोई आदमी बाहर मजदूरी कर रहा है, क्या महिलाएं भी साथ में मजदूरी कर सकती हैं? आप देखिए इक्वलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी गाँव में, धुर गांव में चले जाइए, वहां आदमी जितना काम कर रहा है महिला उतना ही काम कर रही है, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, दोनों, अगर मान लेते हैं आदमी मजदूरी कर रहा है तो महिला साथ में मजदूरी कर रही है, दोनों मजदूरी कर रहे हैं, ईंटे गारे उठा रहे हैं, दोनों ही दिखाई पड़ेंगे। दैट इज इक्वलिटी इन इन ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट। हम इक्वलिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं? इक्वलिटी का बहुत सारा मतलब है, जिसमें से एक है इकोनॉमिकल इक्वलिटी, आर्थिक प्रगति, एक है साइकोलॉजिकल, एक है अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता, कई तरह की समानताएं चाहिए। और जब इन बातों को समझ में आएगा तब बात समझ में आएगी कि हाँ, हम रियल इक्वलिटी और रियल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लेकर के भारत में बहुत सारे कानून बने हैं, जिसमें से एक बढ़िया डॉक्यूमेंट है हमारी आईपीसी, 1860 में आई, आपने पढ़ी लिया अभी, जो कि विमेन या महिलाओं के फेवर में बात कर रहा है। कुछ सेक्शंस हैं जो महिलाओं के फेवर में नहीं थे, जिनको बदल दिया गया हाल फिलहाल में। फिर हमारी सीआरपीसी जो 1898 में आई, जो भी लॉज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के फेवर में बात कर रहे हैं। इस कड़ी में अगर हम बात करें कौन कौन से कानून हैं, उन कानूनों के लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सबसे कमाल का कानून, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये स्कूल कॉलेज के सिलेबस में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर किसी, हम बात कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में, महिला सुरक्षा, शुरुआत कहां से होगी, घर से। एक बहुत अच्छी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, शुरुआत कहां से होगी, घर से। तो हम विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कहीं भी महिलाओं को सुरक्षा मिले सबसे पहले कहां मिलनी चाहिए, घर पर। और वो सुरक्षा कैसे मिलनी चाहिए, किसी भी तरह के वॉयलेंस से, किसी भी तरह के वॉयलेंस यानी कि हिंसा, एक शब्द हमारे पास क्रुएलिटी, जिसके लिए शब्द है दुर्व्यवहार, और उसको दूर करने के लिए 2002 में आपकी जानकारी के लिए कानून आ गया था, संसद से पास हो गया, लेकिन ये कानून को मान्यता नहीं मिली। और आपको जानकारी दूं, फिर 2005 में वापस से लॉ लेकर आया गया जो कि इन्फोर्स हुआ। लिखिए कानून का उद्देश्य, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कानून आया। आपके मन में कुछ क्वेश्चन उमड़ घुमड़ रहे होंगे तो उनको लिखते रहना, सो दैट लेक्चर के बाद में आपके वो सारे क्वेश्चन लूंगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइड में लिखते जाइए। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, कुछ जो लिखने की चीजें हैं मैं लिखवा ही दूंगा, और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए वो आपको लिखना चाहिए। लिखिए ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कानून लाया गया। पहला पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द वुमन स्पेशली हु आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। परिवार के भीतर रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए, स्पेशली हु आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। परिवार में रहने वाली महिलाओं को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए,
एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंट देयर टू और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंट देयर टू और उससे संबंधित विषयों का उपबंध. संबंधित विषय क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको जानकारी दे दूं, इसका सोर्स जो है इस पूरे कानून का यह है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, है ना. यह आप ध्यान रखना, पनिशमेंट यही मिलेगा, 3 साल की सजा है, इसको भूलना मत, ठीक है. और दूसरा इसका सोर्स है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता. ये जो इसके स्रोत हैं जहां से ये निकल कर आया है, यूएन के कन्वेंशंस तो हैं ही, जिसमें से एक है यूडीएचआर 1948 जो किसी भी तरह की क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के बारे में बात करता है. तो आप इस बात को समझें. और ये दो बातें यहां पर में है, पहला घर में रहने वाली महिलाओं को संरक्षण और दूसरे नंबर पर बात है उससे संबंधित विषय. जैसे एग्जाम्पल दूं आपको मैं, संबंधित विषय क्या हो सकते हैं. अब एक बात ठीक से समझिए कि 498A जो आईपीसी है उसके लिए हमारे पास 198A सीआरपीसी है. इसकी प्रोसीडिंग कहां मिलेगी, 198A सीआरपीसी. 198A सीआरपीसी दो तरह की बात करती है. पहला कि 498A जो हमारा आईपीसी है इसका मामला जो है कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा. एक तरीका है एफआईआर से. कैसे पहुंचेगा, क्योंकि मामला कॉग्निजेबल है. दूसरा तरीका यह है कि वो महिला हु इज सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस उसको कोर्ट में कंप्लेन करनी होगी, शिकायत करनी होगी. प्रॉब्लम यह है कि समझना एक बात के लिए कि जैसे मान लो कोई एक महिला वॉज सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक क्रुएलिटी है, क्या अभी हम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे डोमेस्टिक क्रुएलिटी में क्या क्या आता है, और आपकी आंखें फटी रह जाएंगी क्योंकि उसमें से कुछ तो कभी ना कभी आपके आसपास घटा होगा, इतना वास्ट है ये लॉ. तो मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, महिला एफआईआर करवाने पुलिस थाने में गई, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, इसके बाद वो महिला कहां जाएगी सौरभ, किसके घर जाएगी. पहले इसने कह दिया था अपने घर, फिर बाद में उसने उस बात को बदला, कहता है कि माता पिता के घर. मैट्रिमोनियल घर मतलब होता है वैवाहिक घर, ससुराल. अपने घर जाएगी कि ससुराल जाएगी, जहां वो रह रही है. और कहां रह रही है वो, बैठ जाओ, बैठ के बताओ. अगर जा तो कहीं भी सकती है, वो अपने माता पिता के घर भी जा सकती है या पति के घर भी जा सकती है. यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था. इसके आंसर में समाज की सच्चाई है कि महिला का घर नहीं है. क्या कहा उसने, सुना आपने, या तो माता पिता के घर जा सकती है या पति के घर जा सकती है. पहले वो हड़बड़ी में बोल गया था अपने घर, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, महिला के पास खुद का घर नहीं है. समझना कहां कहां से क्या क्या बातें शुरू होती है. मतलब ये पढ़ने के बाद लॉ, आधे लड़के संन्यास में चले जाएंगे और आधी लड़कियों को पता चलेगा कि जीवन में चल क्या रहा. अब मान लेते हैं किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और पड़ोसी, पहले बीच में एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ के आने के बाद, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस. उसका नाम था रिंग द बेल कैंपेन. बहुत ऐड चला टीवी पर, पता नहीं आपने देखा या नहीं, कि आपके आसपास कहीं अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कैसे पता चलेगा वायलेंस हो रहा है, आवाजें आएगी. हाँ, अब पुराने समय में आवाजें महिलाएं कहती थी बचाओ बचाओ, बदल गया, पुरुष की आवाज आ रही है. लेकिन फिर भी मान के चलते हैं महिलाएं अगर सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको एक ही काम करना है, जाके घंटी बजा दो. घंटी बजाने से क्या होता है पता है, आप यकीन मानो 99.9% घरों में वायलेंस रुक जाता है, क्योंकि ये एकांत में की जाने वाली चीज है. ठीक है, सबके सामने तो अच्छा बनना होता है, ये कहां होता है, अकेले में. कोई आ गया है, मैक्सिमम घरों में फैले हुए कपड़े समेट जाते हैं घंटी बजते ही, 1 सेकंड के भीतर सारे कपड़े फैले, घंटी बजी, समेट लो सारा, कहीं पर ठूस दो. फिर जो बाहर से आया है वो देख के क्या कहता है, बड़ा व्यवस्थित है, उसका घर फैला हुआ है ना. वो आके देख के कहता है क्या बड़ा व्यवस्थित घर है, और मन ही मन ये कूढ़ रहा होता है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है. उसको पता नहीं है ये 1 सेकंड के भीतर ही समेटा गया है सामान, घंटी बजते ही. रिंग द बेल कैंपेन इसीलिए है क्योंकि कई बार ऑफेंसेस, एक
स्पेशली हम अगर फिजिकल वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट या मर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये इंपल्स में होता है, एक तरह का मेंटल इंपल्स है जिसे कहते हैं अनियंत्रित आवेग। कुछ बात ऐसी हो गई और वहां पर मैं कुछ उठा के किसी ने किसी को मार दिया, ऐसी वाली कहानी, घंटी बजती ही वो सारा आवेग ठंडा हो जाता है, क्योंकि फोकस कहां हो गया, कपड़े समेटने में, और पता नहीं कौन कौन से कपड़े पड़े, शर्ट पैंट पड़ा हो तो ठीक भी है, तो जो भी है वो समेटा जाता है, जूठे के बर्तन है तो समेटे जाते हैं, छोटा बच्चा है अगर उसने हक दिया है वो भी उसी एक सेकंड में समेटा जाए। अरे सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें, सब अदरवाइज सब पड़ा हुआ है, कौन साफ करेगा, बाई आएगी तो करेगी, अब बाई का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन समझिए कहानी, मान लो अगर आप पड़ोसी हो, आपने लॉ पढ़ लिया, आप कहीं रह रहे हो फ्लैट में, आपके पड़ोस में कोई एक फैमिली रहती है और वहां से आपको आवाजें आती है लड़ाई झगड़े की, क्योंकि एक वॉल होता है और वॉल से बहुत कुछ छुपता नहीं है, आपको पता चला द लेडी सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ क्रुएलिटी। अगली रोज सुबह आपने देखा वो महिला जो है हाथ में पट्टी बंधाई हुई है, आंखों में उसके ब्रूज हैं, है ना, निशान परेशान दिख रही है, और आपको समझ में आ गया कल इसका कूटकरण हुआ है। आपने 100 नंबर डायल कर दिया, 100 नंबर कि मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, उसका नाम फला फला है और उसका जो है उसके साथ आज डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। पुलिस आ गई घर पर, पीसीआर वैन आ गया, घंटी बजी, वो महिला बाहर निकली, और यकीन मानो यही होना है जो मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस पूछेगी क्या हुआ आपको, तो क्या कहेगी, वो गिर गई थी, कल हम जात रहे, रपट गए, घुटना में लग गई, ऐसा बोलेगी। और वो कहे कि तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत करी है कि तुम्हारा पति तुमको मारता कूटता है। महिला आग बगुला हो जाने वाली है कि मेरा पति तो मेरा देवता है, ये मुआ पड़ोसी है जो ताक झांक करता है, चैन मेरा हरता है। तो पता कैसे चला उसको कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या ऐसा बड़ा एक प्यारा सा कहानी कि एक बार एक महिला ने अपने पति से कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। पति लॉ का स्टूडेंट था, उसने कहा कि अरे भगवान तू एक बार उसको अपनी शक्ल तो दिखा दे। फिर वो बेचारा निपट कमारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पे लटका जाएगा, तो शक्ल तो दिखा, उसको पता ही नहीं कौन है मेरे साथ में। तो ये मजाक है, लेकिन अगर वहां महिला के पास में अगर पुलिस वाला गया और महिला ये कहती है कि पड़ोसी ही बदमाश है, ये ताक झांक कर रहा है, तो क्या पड़ोसी को गिरफ्तार किया जा सकेगा? पड़ोसी की जान सांसत में आ सकती है कि वो ताक झांक करता है। वॉयोरिज्म 354C सेक्शन नंबर 4 इस कानून का कहता है पड़ोसी के खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा। यह है अनुषांगिक विषय जो मैं शब्द बात करता हूं, देयर इंसिडेंट देयर टू एंड कनेक्टेड देयर विथ, धारा 4 कह रही है पड़ोसी को प्रोटेक्शन मिलेगा, ना तो उसके खिलाफ सिविल एक्शन होगा ना क्रिमिनल एक्शन होगा, सिर्फ इस बात के कारण क्योंकि उसने शिकायत की है। क्या करी है? शिकायत। एक बढ़िया प्रोविजन है इस लॉ में, जहां पर मैं आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और कानून कह रहा है आपके खिलाफ मामला नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वॉयरिज्म है तो पहले बोलना चाहिए था उसे, शिकायत करने के बाद अगर वो ये कह रही है इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है, फंसाने के लिए बोल रही है। धारा 4 में आइए, देखिए सेक्शन नंबर 4 की हेडिंग, थोड़ा आपको बैरक घुमाऊं फिर हम वन बाई वन आगे चलेंगे, है ना, पहुंच गए धारा 4 में। इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, ये जो सूचना देने वाला है उसके दायित्व का अपवर्जन इस बारे में बात कर रहा है, मतलब उसको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, आप 100 नंबर डाल के पीसीआर वैन बुला सकते हैं। बढ़िया बात है ये, ठीक। नाउ डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी परिभाषाओं में आना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस में आइए फिर मैं आपको आगे लिए चलूंगा। परिभाषा खंड देखिए, कब लागू हुआ है कानून, तो आपके सामने ही है 2005 में, कुछ बातें मैं लगवा दूंगा आपको। कानून आया 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ, लेकिन आपको जानकारी दे दूं 26 अक्टूबर 2006 को इन्फोर्स होने के बाद भी जम्मू कश्मीर की महिलाएं इस कानून से सुरक्षित नहीं थीं। ये तो भला हो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जिसने 31 अक्टूबर 2019 को 370 और 35A को बाहर किया कॉन्स्टिट्यूशन से, और तब जाकर के ये लॉ जम्मू कश्मीर में भी इन्फोर्स हुआ। अगर आप किसी भी जाति धर्म समुदाय या विचारधारा से आते हो, आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि ये कानून तो लागू होना चाहिए था। अरे इस कानून का धर्म जाति से क्या लेना देना, ये तो कह रहा है महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और कब आ गया था, 2006 में इन्फोर्स हो गया ये 26 अक्टूबर को, और कब लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, आफ्टर
2019 31st of October। तो ये कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, आपको जानना चाहिए। परिभाषाओं में देखिए कुछ काम की बातें बहुत सारी। जैसे पहली परिभाषा जो है यह अग्रीव पर्सन की परिभाषा, व्यथित व्यक्ति। कौन सरसर आ रहा है? उसका अधिकार है। क्वेश्चन यह है कि अगर पति पत्नी पति को मारते, जैसे मान लो पत्नी ने पति को मुक्का मारा, दांत टूट गया, अभी पढ़ के खत्म किया हमने, ग्रीवस हर्ट, चांटा मारा, हर्ट कहो। लोगों के सामने यह कह दिया कि मेरा पति तो नपुंसक है, मानहानि, डिफेमेशन 499। अगर वो नहीं है तो है, तो फिर 499 के एक्सेप्शन वन में आएगा, सत्य बात का लांछन कोई अपराध नहीं है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ इज नो ऑफेंस, है ना। उसके लिए इस लॉ में रेमेडी नहीं है, मैं वही समझाना चाह रहा था, क्योंकि यहां पर पहली परिभाषा रश्मि के क्वेश्चन का आंसर है। यहां है अग्रीव्ड पर्सन, जिसको आप कहते हो विक्टिम, पीड़ित कौन होगा, और अंडरलाइन कीजिए, लिखा है मीन्स एनी वुमन, केवल महिला ही पीड़ित होगी, आदमी को कोई पीड़ा नहीं है, वही है निखद्ध कोटि का आदमी, वही परेशानी पैदा कर रहा है, वही समस्या है। तो समस्या को समस्या नहीं होती, ठीक है, अच्छी बात है। आप पुरुषों के बारे में सोच रही हैं, आप जैसे लोगों को 33% में पहुंचना चाहिए, कहां, सीधे ही भारतीय संसद। पुरुषों को बहुत जरूरी है महिलाओं की संसद में। हाँ, आदमी ही आदमी का दुश्मन है। Means any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। कह रहा है कि केवल महिला ही होगी, पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्पॉन्डेंट का मतलब है प्रत्यर्थी, जिसके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है। समझना, इस पूरे लॉ में आरोपी और पीड़ित शब्द नहीं है। हम जब आईपीसी में जाते हैं या किसी क्रिमिनल लॉ में जाते हैं तो दो वर्ड्स के साथ हम बात करते हैं, वन इज आरोपी, अक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप लगा, एंड वन इज विक्टिम, अगेंस्ट हुम द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। यहां दो अलग तरह के शब्द हैं, एक है अग्रीव्ड पर्सन, हिंदी में शब्द लिखा है व्यथित व्यक्ति, एक है रेस्पॉन्डेंट, वो है प्रत्यर्थी। तो ये रेस्पॉन्डेंट कौन है, आप बाजू में लिख लीजिए, यही है अपराधी, यही है आरोपी। और महिला पीड़ित कौन होगा, अग्रीव्ड पर्सन विल ऑलवेज बी अ वुमन, महिला ही होगी। अब जैसे ही हमारे पास में सेम सेक्स मैरिज आ जाएगा तो ये लॉ कैसे चेंज होगा, मतलब पार्लियामेंट तो क्या करेगी पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम यही थी कि इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अग्रीड पर्सन कौन होगा, पुरुष भी हो सकता है क्या, एनी पर्सन हो सकता है क्या। फिर दूसरी बात ये लिखनी पड़ेगी रिस्पॉन्डेंट कौन होगा, एनी पर्सन हो जाएगा क्या। अगर ये हो जाएगा तो फिर पति पत्नी के खिलाफ भी मामला चला सकेंगे। अभी प्रॉब्लम है ये, मान लो एक किन्नर ने एक हिजड़े से शादी कर ली, या एक किन्नर ने एक महिला से शादी कर ली, या एक किन्नर ने एक आदमी से शादी कर ली, तो क्या वो भी एक पीड़ित हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब जैसे ही सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करेंगे तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंजेस होंगे। तो आप देखिए ए नाम का जो हमारा 2A जो सेक्शन हमारे पास है, यहां आपको मिला अग्रीव पर्सन, और उसके साथ सीधे पढ़िए 2Q, दैट इज रेस्पॉन्डेंट, मिला रेस्पॉन्डेंट, रेस्पॉन्डेंट है प्रत्यर्थी, हिंदी में शब्द आपको शायद प्रत्यर्थी लिखा होगा, देखना, रेस्पॉन्डेंट मतलब ये ऐसा आदमी जिसके खिलाफ आरोप लगा है। एक लाइन में आप लिखना चाहें तो अगेंस्ट हुम द अक्यूजेशन वॉज मेड इज रेस्पॉन्डेंट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक। यहां शब्दावली क्या है आप देखिए, एनी मेल एडल्ट पर्सन, अंडरलाइन कीजिए, पुरुष होगा, एडल्ट होगा, मतलब महिला आरोप लगाएगी पुरुष पर, आपको ये अंडरलाइन करना चाहिए। साथ ही एक बात नीचे उसका प्रोवाइजो दे दिया गया है, कह रहा है अगर पत्नी है अग्रीड पर्सन, इस बात का मतलब ध्यान से समझना है ना, चीजों को ठीक से समझिए, क्योंकि 498A जो डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, वहां साफ साफ लिखा है पति या उसके नातेदारों द्वारा की गई क्रुएलिटी, दैट इज 498A का सब्जेक्ट मैटर। बट दिस लॉ इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू एनी वुमन हु इज लिविंग इन एनी रिलेशनशिप इन एनी हाउस। जैसे आपको समझा दूं मैं, सबसे पहली बात तो ये कि कहीं भी यहां हस्बैंड और वाइफ शब्द नहीं आएगा, यहां प्रोवाइडेड में वाइफ शब्द आया है, अदरवाइज लिखा है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, एंड रिलेशनशिप कैन बी लिव इन, इसमें पिता हो सकता है, पिता बड़ा भाई हो सकता है, सब हो सकते हैं, इसलिए नीचे प्रोवाइडेड लिखा है दैट अगर वो पत्नी है, इफ द अग्रीव पर्सन इज वाइफ, मतलब वाइफ के अलावा कोई भी और हो सकता है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल क्रुएलिटी में क्या बात आती है, तो वहां लिखा है महिला को
अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, कौन रोकेगा? पति। पति भी रोक सकता है, पति भी रोक सकता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि शायद बड़ा भाई रोक रहा होगा, शायद उसका पिता रोक रहा होगा। ये महिला कह रही है कि मुझे फलां आदमी से शादी करनी है, और वो कह रहा है कि ढंग के किसी आदमी से शादी कर। पिता हमेशा यही कहते हैं, ढंग के आदमी। इवन कौन था पता है वो आदमी जिसे शादी करना चाह रही थी महिला? देवों के देव, महादेव, संसार चला रहे थे जो। और पिता ने क्या कहा? ढंग का आदमी देख। और कहानी ऐसी पढ़ने के लिए मिलती है कि जो विवाह करना चाह रही थी साथ में देवी पार्वती शैलपुत्री, उन्होंने खाना छोड़ दिया, यह कहकर कि इससे विवाह करूंगी तो ही भोजन ग्रहण करूंगी। दैट इज तीज का व्रत। लोग बिना खाना खाए अपने घर में बैठे किसके लिए बताओ तो? कौन है वो? हाँ, जिससे विवाह करने के लिए लोग सोच रहे खाना नहीं खाने से मनपसंद वर मिलेगा। उनको इसीलिए मिला कि उन्होंने बताया ये है वर। पिता मना कर रहे थे तो बोले नहीं खाऊंगी, तो अन्य त्याग कर दिया, फिर जल का त्याग कर दिया, उनका नाम पड़ गया निर्जला, फिर पर्णपात खाना छोड़ दिया, उन्हीं का नाम पड़ गया अपर्णा। फिर पिता ने बोला कि ऐसे तो कृष्णकाय हो जाएगी बेटी, बोले चलो इसी से शादी कर देते। तो पिता हमेशा यही कहते हैं, क्या कहते हैं? ढंग का आदमी। उनसे ज्यादा ढंग का आदमी कौन मिलेगा? तीनों लोगों के स्वामी से बड़ा, वो भी ढंग का आदमी ढूंढ रहे थे। सोचो तो अगर आपके पिता ने कह दिया है आपके बॉयफ्रेंड के बारे में कि ढंग का आदमी ढूंढो, टेंशन मत लो। मतलब अगर आप शिव को चुनते तो भी पिता यही कह रहे होते, और कितना बड़ा काम होगा। आ जाओ वापस से रेस्पोंडेंट शब्द में। लिखा है अगर वाइफ है, ठीक है, और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज, ये है लिव इन रिलेशनशिप। शब्दावली ध्यान से रखना, कमाल का लॉ है ये, बहुत एडवांस। 2005 में भारत में इतने एडवांस कानून की कल्पना किसी ने नहीं करी होगी। हम 2023 में जी रहे हैं, आज एक डिकेट बीत गया, और ये कह रहा है कि जो लिव इन में रहने वाली महिला है वो, क्योंकि शब्दावली देखिए क्या लिखा है, फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, और मैरिज के नेचर का कौन सा है? लिव इन इज नेचर ऑफ मैरिज। मे ऑल्सो फाइल कंप्लेन अगेंस्ट अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। और मेल पार्टनर शब्द क्या बता रहा है यहां पर? मैं इतना प्रोग्रेसिव लॉ है, मैंने कई बार आपको यह बताया कि हस्बैंड शब्द डेरोगेटिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि हस्बैंड का मतलब एक अर्थ होता है पशु पालने वाला। अगर आप गूगल करके देखिए एनिमल हस्बेंड्री, अगर कोई विज्ञान पढ़े हुए बच्चे यहां पर में है, तो पशुपालन एक सब्जेक्ट है, उसका इंग्लिश में मतलब है एनिमल हस्बेंड्री। और महिला मिला रही है, मीट माई हस्बैंड, देन हु आर यू, काउ और अ गोट? यू मस्ट बी समवन। और कानूनों में शब्द लिखा जा रहा है, हाँ पालक, कौन पाल रहा है बताओ ना? जानवर को ही पाला जाता है, इंसान को कोई कैसे पालेगा? पाल किसको जाएगा, बच्चे को या जानवर को? पाला किसको जाएगा? वाइफ को पाल रहे हैं बताओ। और महिलाएं भी सोच रही हैं ऐसा, तो फिर ये और खराब बात है। कानून कहीं सोच रहा है, महिलाएं कहीं सोच रही हैं, तो महिलाओं को पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई हमको पाले ना, हम खुद पलेंगे। कोई क्यों पालेगा? पालक का मतलब ही है असहाय। जानवर को पाला जाता है ना, बच्चे को, क्योंकि बच्चा भी जानवर समान ही है छोटा है, तो क्योंकि उसको नहीं पता कहां जाना है और कहां खाना है। पता है क्या बच्चे को? जानवर को भी नहीं पता। लेकिन महिला क्या महिला जानवर या बच्चा है? अगर ऐसा महिलाएं समझ रही हैं तो उनको जागना चाहिए, कानून तो नहीं समझ रहा। और ये कह रहा है कि कोई भी हस्बैंड नहीं, बढ़िया शब्द क्या है यहां पर में, शब्द आया है मेल पार्टनर, पुरुष जो साथ में रह रहा है, भागीदार, जो जीवन में साथ में भागीदार है। और इसके लिए प्रोग्रेसिव वर्ड नया है, वो है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, और मुझे लगता है ये बढ़िया शब्द है, जहां पर ना तो महिला पुरुष को पाले ना पुरुष महिला को पाले, इतनी आसान सी बात है। तो मेल पार्टनरशिप को अंडरलाइन कीजिए। नहीं, साथ में रहने का मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे आपको अगली परिभाषा में आना होगा, परिभाषा नंबर एस। आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही लिखा हुआ है, आपके हर एक क्वेश्चन। सोचो, इसलिए कई बार जब लॉ बनाने वाले लोग जो बना रहे होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आते हैं, मुझे लगता है कि क्या कमाल किया उन लोगों ने यार। आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो और 2005 में लिख गए आंसर, कौन आएगा? तो एस कह रहा है, अ पर्सन मेल एंड अ पर्सन फीमेल, दोज हु आर लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, एक शब्द है साझा गृहस्थी। और साझा गृहस्थी का मतलब क्या है, मैं आसान भाषा में समझा दूं, बहुत उटपटांग परिभाषा है। साझा गृहस्थी का मतलब है कोई एक मकान जहां पर में वो लड़का और वो लड़की साथ रह रहे थे, कभी साथ रहे थे,
किराए पर रहे हो, किसी एक का मालिकाना हक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द वर्ड इज नॉट चार दीवारी, द वर्ड इज शेयर्ड हाउस होल्ड, एक घर में जहां पर वो दोनों साझा रूप से रह रहे हों। मतलब वो किराए का मकान हो सकता है, वो 1 BHK हो सकता है, वो बंगलो हो सकता है वो लड़के का मकान हो सकता है, लड़की का मकान हो सकता है, लड़के के पिताजी के नाम पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कभी भी किसी समय वो साथ रहे हों वहां, तो हम कहेंगे वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हैं, और यही दो लोग जिम्मेदार होंगे 2Q में। आप इस बात को जानकारी लीजिए। ठीक बात, कहानी समझ में आई? अरे हुआ करते चलो, ठीक है। अब आइए सीधे अग्रीड पर्सन के साथ में ले गया था आपको। एक शब्द यहां पर डिफाइन किया गया है, चाइल्ड, बच्चा। क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे डोमेस्टिक क्रुएलिटी या डोमेस्टिक वायलेंस में एक शब्द आता है कि महिला के बच्चे को कूटना, पीटना। कौन पीट रहा है? भले ही महिला का पति पीट रहा है, तो ये महिला के लिए मेंटल क्रुएलिटी है। तो ये चाइल्ड की परिभाषा जरूरी है देना, उसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं। तो यहां शब्दावली देखिए, ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। क्योंकि चाइल्ड का मतलब हम क्या समझेंगे, बेटा बेटी? नहीं, बहुत वास्ट है ये परिभाषा। पहली बात तो कह रहा है कि 18 साल से कम का होना चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है अडॉप्ट किया हो महिला ने, अडॉप्टेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड। लिखा है स्टेप चाइल्ड, हो सकता है सौतेला बच्चा हो। या लिखा है फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर का मतलब होता है समझना, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल ले लो फॉस्टर चाइल्ड के लिए कि जैसे किसी रिलेटिव का बच्चा है, उसको पालने के लिए अपने पास रख लिया है, हम कहते हैं उसको फॉस्टर चाइल्ड। हिंदी में क्या शब्द है मुझे नहीं पता, क्या लिखा है हिंदी में? पाल्य, पोषित। हाँ, जिसका लालन पालन किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक भाई है, उसके 5-7 बच्चे पैदा हो गए, दूसरे भाई को दे दिया, बोले 2 को तू पाल ले। ऐसा क्यों कर पाते हैं लोग पता है? क्योंकि बच्चे, कई बार ऐसा होता है, 2 तरह से होते हैं। एक तो बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चे पैदा किए जाते हैं, एक बच्चे पलते हैं, एक बच्चे पाले जाते हैं। मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जहां बच्चे पैदा हो गए हैं वहां बांट दिए जाते हैं। लॉजिकल है, नहीं तो अपने बच्चे को कैसे कोई किसी को बांट देगा। हाँ, अनटिल अनलेस देयर इज अ ग्रेव प्रॉब्लम। हो सकता है माँ को बहुत कोई गंभीर बीमारी हो, पिता बहुत ज्यादा व्यस्त हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे की भलाई के लिए बांट दिया, दूसरी कहानी हो गई। एक तो हुआ कि घर में 3 लड़कियां होंगी, 1 लड़की किसी को बांट दी, तुम पाल लो। तो वो जो बच्चा पाल्य है उसको ही कहा जाता है फॉस्टर चाइल्ड, वही है पाल्य, वही है पोषित। और लॉ ये कह रहा है ये सारे बच्चे जो महिला के बच्चे हैं, किसी भी तरह से महिला उनको पाल रही है, उनको टॉर्चर करना, महिला को टॉर्चर करना माना जाएगा। आसान सी बात है, ठीक है। अगली परिभाषा में आइए, ये परिभाषा हमारे काम की है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। 2G में आइए, मिला आपको? लिखा है द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। वही परिभाषा है जो धारा 3 में दी गई है। अब धारा 3 की परिभाषा में आइए, तो हम डोमेस्टिक वायलेंस को कई तरह से बांटते हैं। लिखिए डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा, यहीं से शुरू करते हैं। क्या है घरेलू हिंसा? लिखना, द वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्रुएलिटी टू अ वुमन। घरेलू हिंसा शब्द में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित दुर्व्यवहार आते हैं। निम्नलिखित दुर्व्यवहार आते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, इट इंक्लूड्स मेंटल क्रुएलिटी, या इसे कहते हैं मेंटल वायलेंस। हाँ, शब्दों से परेशान नहीं होना। क्या क्या आता है? वर्बल, इमोशनल, ये 2 तरह की चीजें आती हैं इसमें। लिखिए इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स, पहला, दूसरा, तीसरा करके लिखिए। पहला, महिला के चरित्र या आचरण पर आरोप लगाना, अक्यूजेशन ऑन कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ अ वुमन। महिला के चरित्र या आचरण पर अभियोग लगाना। मेरे भाई, अक्यूजेशन ऑन कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ द वुमन, यही पूछ लेना किससे बात कर रही थी। हो गई हिंसा, पति इज गोइंग टू जेल फॉर 3 years, अगर ठीक से लॉ इंप्लीमेंट हो जाए,
ये बात और है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना खराब है, मैं आपको समझाऊं कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है। मतलब वाकई में जो पीड़ित है उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहा, जानकारी नहीं है उसे, और जो यूज कर रहा है वो है जो उसका मिसयूज कर रहा है, दैट यूज इज मिसयूज। इसीलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट में कह दिया था कि सेक्शन 498A इज अ लीगल टेररिज्म, एक शब्द दिया वैधानिक आतंकवाद। तो आतंकवादी कौन? महिला। और बाद में सुप्रीम कोर्ट की ही लार्जर बेंच ने यह कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना उनके सम्मान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातों को, न्यायपालिका को करने से बचना चाहिए। तो 498A का इतना मिसयूज हुआ 1983 से लेकर अब तक, और 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का लेना देना वो 498A से ही है, समझना बार बार, है ना। हम तो 498A को एलोबरेट कर रहे हैं क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब लोग क्या समझ रहे थे, फिजिकल वायलेंस। इसने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर दिया। तो लिखा है चरित्र या आचरण पर दोष लगाना। दूसरा लिखिए, लिखना इंसल्टिंग एनी वुमन फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउरी, दहेज नहीं लाने के लिए अपमानित करना, दिया ही क्या है तेरे बाप ने, ऐसा बोलना। इंसल्टिंग अ वुमन फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउरी। मैं बीच में एक स्कूल 2018-19 में, आजकल मैंने जाना बंद कर दिया, एक उनके एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट था, और बहुत अच्छा एक नाटक खेल रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, शायद 4th-5th क्लास के होंगे, और वो सिर्फ डाउरी पर वो नाटक खेल रहे थे। तो बड़ा प्यारा सीन था वहाँ पर, मैं जिसके लिए मैंने खड़े होकर के तारीफ करी उन बच्चों की। तो सास जो है वो बार बार में महिला को ताने दे रही, ताने मार रही है, और एक बात तो जोर से वो डांट कर कहती है कि तेरे बाप ने तेरे को संस्कार नहीं सिखाए। तो बहू जो है कमाल का आंसर देती है, कहती है सासू मां याद कीजिए जब आपने सामान की लिस्ट दी थी उसमें संस्कार लिखा था, जो मांगा वो दिया, संस्कार तो मांगा ही नहीं था, अब झेलो। तो ये शब्द जो है डाउरी नहीं लाने पर अपमानित करना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई किसी को ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, मैंने कहा इसमें से कुछ तो आपने आसपास ही सुने होंगे, ऐसे वाले शब्द कि तेरे बाप ने ला कर दिया है क्या, बाप को बोल, ऐसे वाले शब्द, ये शब्द आपने कहीं तो सुने होंगे, अगर अपने घर के आसपास नहीं सुने तो मूवीज में सुने होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना इंसल्टिंग फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, पुत्र न होने के लिए अपमानित करना, इंसल्टिंग फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, पुत्र न होने के लिए अपमानित करना। फिर लिखिए इंसल्टिंग फॉर नॉट हैविंग चाइल्ड, संतान न होने के लिए अपमानित करना। संतान न होना एक समय कितना बड़ा सोचो कहानी रहा होगा कि गणपति वंदना में शब्द आता है बांझन को पुत्र देत, है ना, मतलब संतान ही नहीं पुत्र भी देवता वो प्रदान कर रहे हैं, मतलब कितनी समस्या थी एक समय समाज में, आज भी होगी, आज तो हम पढ़ रहे हैं तो बार बार सोचते हैं समाज में, अदरवाइज भारतीय समाज 10% है जो डेवलप दिखाई पड़ रहा है, आइसबर्ग की टिप 90% अभी भी वही है, सोच समाज की वो बदली नहीं है, और शायद एजुकेशन एकमात्र जरिया है जिससे समाज बदला जाएगा, अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना डिमीनिंग ह्यूमिलिएटिंग और एनी अंडरमाइनिंग रिमार्क्स, अपमानजनक क्षतिकारक टिप्पणियां करना, डिमीनिंग और ह्यूमिलेटिंग और अंडरमाइनिंग रिमार्क्स, अपमानजनक क्षतिकारक कथन करना, मतलब ऐसा कुछ बोलना जिससे महिला का उपहास अपमान हो रहा हो। लिखना टू रेडिक्यूल, RIDICULE, टू रेडिक्यूल, रेडिक्यूल का मतलब होता है हंसी उड़ाना, रेडिक्यूल हाँ मजाक बनाना किसी बात पर। अगर आपको ये मजाक बनाने वाली कहानी समझनी है तो आप देखिए इंग्लिश विंग्लिश, एक कमाल की फिल्म है, अद्भुत, आपको देखना चाहिए कि एक महिला जो घर में रह रही है सबका ध्यान रख रही है, कई बार ऐसा होता है ना उसमें वो महिला जो है उसको इंग्लिश नहीं आती, पूरी फिल्म का जो बेस है वो इंग्लिश नहीं आती उस महिला को,
और श्रीदेवी है और कमाल की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है और आपको देखकर मजा आ जाएगा कि वाह दुनिया कहाँ चल रही है। उस महिला के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जब कभी कुछ बोलती है आज पिज्जा खाओगे, बोलते हैं पिज्जा नहीं होता मम्मा, पिज्जा, इट्स पिज्जा। हर बात पे बोलती है कौन सा म्यूजिक सुनेंगे, जैज, जैज नहीं होता, जैज, जैज, हाउ टू प्रोनाउंस। हर बात पे उसका मजाक उड़ाना, और उसका पति भी कई बार कहता है तुमको क्या कर सकती हो, लड्डू बना सकती हो, बनाओ, ऐसा कहता है वो। मजाक मजाक में वो बात कहता है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे उसको नफरत कर रहे हैं, बच्चे तो बड़ा प्रेम कर रहे हैं उस पूरी फिल्म में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई जानबूझकर अगर मजाक उड़ा रहा है, और क्या पता ये मजाक मजाक में ही डिमीन होना हो रहा हो, तो ये भी वायलेंस ही है इंटेंशन अगर वहां पर में है तो। फिर लिखिए नेम कॉलिंग, NAME, नेम, CALLING, कॉलिंग। नेम कॉलिंग का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, नाम लेकर बुलाना नहीं है ना, निंदा करना हर बात में, कि खाना बनकर आ गया तो नमक कम है, चाय बनकर आ गया तो शक्कर ज्यादा है, आसपास ही देखा होगा आपने इन चीजों को, है ना। नेम कॉलिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए निंदा करना, है ना, बुराई करना। फिर लिखना फोर्सिंग अ वुमन नॉट टू अटेंड एनी स्कूल और कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी महिला को स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में जाने से रोकना। फोर्सिंग एनी वुमन, कौन सी वुमन, वही जो घरेलू पड़ोसी को नहीं है ना, एनी वुमन मतलब वो जो घरेलू नातेदारी में है, फोर्सिंग द वुमन करोगे ज्यादा बेटर होगा, नॉट टू अटेंड स्कूल, कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोर्सिंग अ वुमन टू डू अ जॉब, महिला को नौकरी करने के लिए कहना। कोई मिला था मुझे बीच में एक दिन क्लास में, कैसी महिला चाहिए, बोल रहा था काम का जी। तो फोर्सिंग अ वुमन टू डू अ जॉब, महिला को नौकरी करने के लिए विवश करना, कहना। लिखिए प्रिवेंटिंग वुमन टू टेकिंग अप अ जॉब, महिला को काम करने से रोकना। फोर्सिंग अ वुमन नॉट टू टेकिंग अप अ जॉब, महिला को काम करने से रोकना, नॉट टू टेकिंग अप अ जॉब, मतलब महिला काम करेगी कि नहीं करेगी कौन तय करेगा, खुद तय करेगी वो। लॉ यही कहना चाह रहा है, तुम सोचना मत कि हमको करना क्या है, तुमको कुछ, तुम अपने जीवन का डिसाइड करो। सौरभ सोच रहा है करना क्या है, मतलब काम पे जाने के लिए बोलना है कि नहीं जाने के लिए बोलना है। लॉ कह रहा है डू योर जॉब, है ना, अपने काम पे जाओ, अपना ध्यान रखो, बस दैट्स इट। महिला के पीछे मत पड़े रहो कि काम पे जा कि मत जा, उसको मन हो वो जाएगी, नहीं हो तो नहीं जाएगी। कैसा आइडिया है, वाह। लिखिए नेक्स्ट, लिखना प्रिवेंटिंग द वुमन फ्रॉम लिविंग द हाउस, महिला को घर से बाहर जाने से रोकना। मतलब जब मन हो वो घर से बाहर जाए, जब मन हो घर को वापस आए। ये नहीं बोला जाएगा कि घर में ही बैठे रहो, घर से बाहर जाने से रोकना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रिवेंटिंग अ वुमन फ्रॉम मीटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, उसे किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना। प्रिवेंटिंग अ वुमन फ्रॉम मीटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, उसे किसी व्यक्ति से, पर्टिकुलर मीन्स विशिष्ट व्यक्ति से, किसी से मिलना चाह रही है और मिलने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब नहीं कि महिला बोल रही है मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है और पति नहीं मिलवा पा रहा है, दैट इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। किसका फिर कुछ लोग और मतलब समझने लगे, अच्छा ये भी है क्या, आज ही जाकर पति से कहा जाए कि मुझे मिलवाओ अमिताभ बच्चन से, पति नहीं मिलवा रहा है तो बोले गोइंग टू जेल, वो भी मिलना चाहे आदमी भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोर्सिंग द वुमन टू गेट मैरिड अगेंस्ट हर विल, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बल देना, विवश करना। फोर्सिंग अ वुमन टू गेट मैरिड अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश करना। नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंटिंग द वुमन फ्रॉम मैरिंग अ पर्सन ऑफ हर चॉइस, महिला को उसके पसंद के व्यक्ति से विवाह करने नहीं देना। Preventing a woman from marrying a person of her own choice,
महिला को उसके पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, करने नहीं देना। लिख लो, इसके लिए पति जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, पता चल रहा है महिला बोल रही है मेरी शादी करवा दो सलमान खान से, और पति बेचारा उसको इटली लेकर के जाए। देखा कि नहीं तुमने, हम दिल दे चुके सनम। ये हम दिल दे चुके सनम नहीं है। ये जो आदमी रोक रहा है, ये बड़ा भाई होगा, ये पिता होगा, ताऊ जी होंगे, चाचा जी होंगे, ये लोग हैं जिनके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही है ना। याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनी अदर वर्बल और इमोशनल काइंड ऑफ अब्यूज, किसी अन्य तरह का भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार इसमें आएगा। ये लिस्ट तो दे दी, इसके अलावा भी कुछ और है। एनी अदर काइंड ऑफ वर्बल और इमोशनल अब्यूज, किसी अन्य तरह का मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार इसमें आएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या समझा कि व्हाट इज मेंटल क्रुएलिटी, इसे भावनात्मक दुर्व्यवहार भी कहा जाता है, इमोशनल अब्यूज कहा जाता है, मेंटल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज, सभी यही शब्द है, मानसिक क्रूरता, भावनात्मक क्रूरता, ठीक है, मौखिक क्रूरता, ऐसे कई सारे शब्द यहां आते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं आपको? हाँ, सुबह जल्दी होने के लिए कहना भी डोमिस। तो एक लास्ट शब्द है ना, एनी अदर काइंड ऑफ मेंटल अब्यूज, शब्द ही है कि महिला को सुबह उठने के लिए भी क्यों कहा जाए, पति सुबह उठ के चाय बनाकर परोसे, ये कहे कि बेटी पियोगी क्या, ऐसा। तो अगर महिला को लगता है, जैसे वर्ड ही यूज किया, किसी और तरह का भावनात्मक दुर्व्यवहार आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी आएगा, शी इज राइट। क्या लिबरल हो जाएगा, क्या चलाना है हमको? हाँ, तो तुम क्या चाह रही हो कि सुबह से कोई उठ के बोलता रहे कि उठो 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 उठो, और महिला बोल रही हो 5 मिनट और। अच्छा बताओ मैं आपको एक बात, होना क्या चाहिए बताए, होना जस्टिस के उल्टा चाहिए। जैसे मान लो कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व, अगर लोग समझने लगे सब प्रॉब्लम हो ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, जहां पर में लोग अपना दायित्व नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खराब भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो खराब होंगे, मैं इस बात की भी डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मान लो सुबह जो है आदमी काम पर जा रहा है, बड़ा अच्छा शेर है वसीम बरेलवी साहब का, वो कहते हैं थके मांगे परिंदे जब शाम को घर लौटें, थके मांगे परिंदे जब शाम को घर लौटें तो लहजा मंद शाखों का लचक जाना चाहिए। मतलब क्या बढ़िया बात कही उन्होंने कि दिन भर से पति काम करके शाम को थक कर घर पर आया, तो पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि कम से कम मुस्कुराकर तो स्वागत करे, पूछे तो दिन कैसा रहा। घर में अगर नौकर हैं, मेड है, पैसे वाले लोग हैं, तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाई ही पानी ले आएगी निकाल कर पूछ लेगी साहब चाय पियोगे क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। अगर मेल भी हो सकता है नौकर, वो भी ले आएगा चाय पानी, वो ले आएगा। लेकिन मान लो ये आदमी, दो ही लोग रह रहे हैं घर पे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पैसा अनाप शनाप नहीं है, तो कम से कम उस महिला को इतना पूछ लेना चाहिए पानी पी लोगे क्या, इसको क्यों बोलना चाहिए कि पानी लेकर के आओ, नहीं। या उसको आते ही बताना चाहिए कि पड़ोसी ने क्या बोला, पड़ोसन ने क्या बोला, घर में बात हुई थी तो क्या हुआ, तुम्हारे घर वालों ने क्या बोला, मेरे घर वालों ने, अभी तो आया है, अरे बैठने तो दो जरा, उसको सांस तो लेने दो, क्या पता कहां कहां से लड़बिड़ कर आया है, बॉस की गाली सुनकर आया है कि अधिकारी की डांट सुनकर आया है, क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचाओ चार लोगों ने कूटा हो उसको, अभी कमर की दर्द नहीं गई उसको, अरे पहले अब बैठने तो दो, सांस तो लो कम से कम, इतना तो करो। सारी जो परेशानी का जड़ यहीं से शुरू होता है, जहां पर मैं एक दूसरे को ना समझ रहा हूं। अगर इतनी सी बात लोग समझ जाएं, जो अंजलि बोलना चाह रही है, अंजलि इस बात को गलत तरीके से बोल रही है। इसका कहना यह है, उसको बोलना क्या चाहिए कि महिलाओं को सुबह उठने बोलना क्यों पड़े, खुद क्यों नहीं उठती, उसको यह बोलना चाहिए। लेकिन वो गलत क्या बोल रही है, कह रही है ये बात नहीं होनी चाहिए, पति को बोलना चाहिए कि उठो, क्यों बोलना चाहिए, जैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो पति, अभी मैं लिखवाता हूं इकोनॉमिक क्रुएलिटी में, बिजली का बिल महीने में एक दिन आता है, अगर सही पति है तो महिला को पता ही नहीं चलेगा कब बिजली का बिल भर गया, पता ही नहीं चलेगा, उसकी जिम्मेदारी है। वो मकान का किराया है, पत्नी को पता ही नहीं चलेगा बिल भर दिया जाएगा किराया मकान का। ठीक वैसे ही घर में राशन खत्म हो गया, पति को पता नहीं चलेगा, पत्नी मंगवा लेगी।
उसकी आंख में दर्द है, इसको पता ही नहीं चलेगा, वो दवा लाके आंख में डाल लेगी। हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। पत्नी महीने की एक तारीख से कह रही है बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली का बिजली कट गई एक दिन। फिर उसका फोन आएगा कि बिजली का बिल नहीं भरा, भरवा दो। और ये क्या कहेगा? सुबह शाम बस पैसा पैसा बोलती रहती है। बोलेगा पैसे दो, सब्जी वाले को देना है पैसे दो, फलां को देना है पैसे दो, ठीक है। क्यों बोल रही है वो? क्योंकि इसने दिया नहीं है पैसे। तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को। अच्छा, हर महीने जो जरूरत के पैसे दे दे तो बोलेगी क्या वो? ठीक वैसे ही अगर महिला समय पर उठ जाए तो पति क्यों बोलेगा? अरे सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना, कि वो उठ करके चाय बना रही है, बोल रहा है उठो, कहां से उठो? और ठीक बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, कर्तव्य के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और सिर्फ अपने अपने कर्तव्य को समझ लिया जाए, जैसा कि मैंने कहा, तो जीवन इतना आसान है ना, कि सिर्फ आनंद है जीवन में। क्या है? आनंद। परेशानी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। और ये क्वेश्चन हमेशा खराब है, डू यू लव मी। एक गाना आया था किक्की डू यू लव मी, सुना आपने? दुनिया का सबसे वाहियात प्रश्न है ये। प्रश्न क्या होना चाहिए? डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं? दिस मस्ट बी द क्वेश्चन। क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? दिस मस्ट बी द क्वेश्चन। क्या मैं ठीक पति हूं? दिस मस्ट बी द क्वेश्चन। और सेम उल्टी तरफ से पत्नी ये सोचे, क्या मैं ठीक पत्नी हूं? क्या मैं जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर रही हूं? वो उल्टा रहा है, पूछा जा रहा है तुम ठीक से निर्वाह कर रहे होगा? दोनों की उंगली एक दूसरे तरफ उठी हुई है, ये भूल रहे हैं कि तीन अपने ही ऊपर है, एक मालिक पर भी है ना, और तीन खुद पर है। जब हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो तीन अपने ऊपर इशारा कर रही है, मतलब अगर ये एक गुना गलत है तो मैं तीन गुना गलत हूं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ऐसे कानूनों की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत क्यों है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हैं समाज में जो इस स्तर पर जाकर परेशान कर रहे हैं। जैसे हमने सुना 1985 में एक केस का जजमेंट आया था शाबानो बेगम वाला, 70 साल की बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया बूढ़े ने। अब वो बुढ़िया कहां जाएगी मुझे बताओ? 70 ईयर्स की एज में कहां काम मिलेगा उसे बताओ? तब लगता है कि हाँ ऐसे कानूनों की जरूरत है ना। तो समझना ये, इट इज नॉट अबाउट द जनरलाइज्ड आइडिया। जनरलाइज्ड आइडिया ये था जो मैंने अभी आपको बताया, जहां दो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर आपने मोबाइल खरीद लिया है तो आपके मोबाइल पर जो थंब लॉक है, एक आपका रखो, एक पार्टनर का रखो। पार्टनर की जिम्मेदारी है आप मोबाइल चेक ही मत करो। आपकी तमीज ये है, मतलब एक की तमीज ये है कि मोबाइल दे दे, और दूसरे की तमीज ये है कि वो चेक ना करे, तब है ना मजा। हो उल्टा रहा है, एक चेक करना चाह रहा है, दूसरा छुपाना चाह रहा है। होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए, फोन उसको दे दो विद पासवर्ड, और उसकी तमीज क्या है? वो चेक ना करे। उसकी मतलब आपकी भी तमीज ये है कि आप उसे चेक ना करो। प्राइवेसी के रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना, क्या जरूरत है? किसी से बात कर रहे हैं तो करने दो, इतना तो भरोसा रखो। शक करने पर शक बढ़ता है, और भरोसा करने पर दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ यूनिवर्स। यही है जीवन और कायनात का कानून, यही काम करता है। जिस पर ध्यान दोगे वो बढ़ेगा, घाव पर ध्यान दो बढ़ता ही चला जाता है, तुमने देखा ही नहीं। इग्नोर करो, कब सूख के पपड़ी जम जाती है, कोई देख के बताते हैं लग गया था, कब लगा? अच्छा ही लग गया था क्या? ओ आप सोचते हो दवा तो लगाया नहीं, खुद सूख गया। जब ध्यान देंगे पौधे पर तो पौधा बढ़ेगा, रिश्ते पर ध्यान देंगे रिश्ता बढ़ेगा, नॉलेज पर ध्यान देंगे नॉलेज बढ़ेगा, तो शक पर ध्यान देंगे बढ़ना ही है। हेडिंग डालिए, लिखिए इकोनॉमिक वायलेंस। और किसी भी रिश्ते में हमेशा ही जो परेशानी का सबब होता है ना, वो तीसरा आदमी होता है, रकीब कहते हैं उसको उर्दू में। तीसरा आदमी कोई भी हो सकता है, परिवार का रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। कान भरने वाला एक होता है, वो कान भरने वाला कहानी बताता, वही आकर, क्योंकि पति काम में गया उसको पता ही नहीं दिन में क्या हुआ, वो आकर बताए, पता है 2 घंटे तुम्हारी पत्नी कहां थी? वो पूछता है कहां थी? बोले हमको भी नहीं पता कहां थी। अब इसका शक बढ़ना, क्योंकि किसी ने उसको क्या पता, वो तो घर आया शाम को, दिन भर चला गया था, दिन में उसके पास फुर्सत भी नहीं कि वो वीडियो कॉल लगाता रहे, नहीं है। हो सकता है शादी के पहले साल लगाता रहे, बाद में उसको फुर्सत नहीं, फोन आए तो भी शायद ना उठाए। सच है यही है, क्योंकि काम में बिजी है वो। पैसे वाला आदमी तो भी काम में बिजी है, गरीब है तो और बिजी है। एक पुताई करने वाला आदमी दिन भर वीडियो कॉल सुनना लगाएगा, पुताई करेगा वो कि वीडियो कॉल लगाएगा, उसको पता ही नहीं है। पड़ोसन ने बताया तुम्हारी पत्नी 2 घंटे कहां थी, ये पूछ रहा है कहां थी, बोल रहा है हमको भी नहीं पता, अब ढूंढो कहां थी। आइए लिखिए इकोनॉमिक वायलेंस, लिखिए आर्थिक दुर्व्यवहार या आर्थिक हिंसा, फटाफट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, नॉट प्रोवाइडिंग मनी
फॉर मेंटेनिंग वाइफ और चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए राशि या रकम नहीं प्रदान करना। नहीं प्रदान करना, नहीं होना अलग बात है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं है और नहीं दे रहा है पैसा, दोनों में डिफरेंस है। नहीं है तो कैसे ही करेगा बेचारा, गरीब आदमी है तो, और नहीं दे रहा है पैसे होते हुए तो ये गड़बड़ है। कुछ लोगों की हैबिट ही ऐसी होती है, ये सुबह उठ गए और सुबह उठने के बाद, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, सामान जो रखेगा उसको मिलेगा, समझना। सामान किसको मिलेगा? नियम समझा दूं मैं जीवन का, तुमने रखा है तो तुमको ही मिलेगा। जैसे मेरे ऑफिस में कोई एक किताब, जिसे बैरक चाहिए था मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का, कल नहीं मिल रहा था, किसको मिलेगा? जिसका ऑफिस है उसको नहीं मिलेगा, जिसने रखा है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। तो सुबह उठ करके पति टॉवल मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? इसलिए नहीं कि पत्नी नौकरानी है, जिसने रखा है उसको मिल, इतना सा नियम है जीवन का बस। तो जिसने रखा है उसकी जिम्मेदारी क्या थी? ला करके सामान रख देती है, उसको पता है ना आने गया, कल भी मांगा था आज ही मांगेगा भिखारी, तो सामान लाकर रख देती है। नहीं दिया तो सुबह से वो सामान मांग, नहा कर आ गया है, बाल सारे गीले हैं, कपड़े पहने नहीं, खिड़की खुली है, अब कलेश कर रहा है वो फालतू। एक तो कहानी है, इसका ठीक अपोजिट लीजिए, महीने की एक तारीख को काम वाली बाई को पैसे देने थे, और बाई किसको मांग रही है? वो जो काम करवा रहा है। पैसे किससे मांगे जाएंगे? काम करवाने वाले से। काम कौन करवा रहा है? मालकिन। अब बाई कह रही है कि पैसे दो, ये बोल रही है पैसे दो, ये आदमी लाकर पैसे दे नहीं रहा है, जबकि इसकी जिम्मेदारी का पालन इसको करना था, उसकी जिम्मेदारी का पालन उसको करना था, दोनों ने अपना अपना जिम्मेदारी पालन नहीं किया। कलेश सिर्फ यहीं से बढ़ता है जहां कर्तव्यों को समय पर पूरा नहीं किया जाए। और इसमें परेशान कौन है? ज्यादातर महिलाएं, इसीलिए महिलाओं के लिए कानून है। पति निकल के घर आ गया है, घर से बाहर ऑफिस में, और महिला कहां कलेश कर रही है? वो बाई घर में, कि कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, बर्तन कल से तुम धोना। और दुनिया में कोई भी काम इंसान कर ले, वो काम करना कठिन है जिसको करने की प्रैक्टिस छूट गई है। अगर घर में काम वाली बाई आ गई, एक साल काम करके चली गई, फिर बड़ा कठिन है बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। तो ये चीजें कुछ हैं जिनको आपको, हमको जानना चाहिए। लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए क्या लिखा आपने, नॉट प्रोवाइडिंग फूड क्लॉथ्स मेडिसिन, कपड़े भोजन दवाइयां आदि का प्रबंधन नहीं करना। नॉट प्रोवाइडिंग फूड क्लॉथ्स मेडिसिन एटसेट्रा, कपड़े दवाइयां आदि, खाना आदि का प्रबंधन नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रिवेंटिंग टू एक्सेस और यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ हाउस, घर के किसी भाग में घुसने से रोकना या उसका उपयोग करने से रोकना। प्रिवेंटिंग टू एक्सेस और यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द हाउस, घर के किसी भाग में प्रवेश करने या उसका उपयोग करने से रोकना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रिवेंटिंग टू यूज एनी पर्टिकुलर थिंग एट हाउस, घर में किसी विशेष चीज का प्रयोग करने से रोकना। यहां पर मैं डीएवीवी के एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनके बारे में छपा कि उन्होंने क्या किया, बहू को मना कर दिया ये बोल करके कि फ्रिज का उपयोग नहीं करेगी वो, जो फ्रिज उन्होंने खरीदा था, बोले तुम फ्रिज में ना तो तुम ठंडा पानी पियोगी, ना फ्रिज में कुछ सामान, कुछ कलेश हुआ होगा। महिला पढ़ी लिखी समझदार थी, वो गैस का सिलेंडर अपने बेडरूम में ले गई। हाँ बोलिए, मैं लाई हूं मेरे घर से, दैट इज स्त्री धन, इसका उपयोग तुम नहीं करोगे। तो ये प्रिवेंटिंग किसी सामान का, कि गैस का यूज नहीं करे, किसी और चीज का यूज नहीं करे, तो ऐसी वाली कहानियां भी कहीं कहीं पर में होती हैं, तो ये भी अपराध है, आप इसको भी जानकारी में रखें। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सेलिंग और पॉइंग स्त्री धन, सेलिंग और पॉनिंग स्त्री धन, स्त्री धन को बेचना या गिरवी रखना। PAWN पॉन सुना होगा आपने, पॉन शॉप होता है, सेलिंग और पॉनिंग स्त्री धन।
स्त्री धन क्या है, जो कुछ भी महिला लेकर आई है साथ में सब स्त्री धन है। मैंने आपको पहले ही समझाया, जिसको दहेज कहा जाता है उसके लिए शब्द है स्त्री धन। जो कुछ भी वो लेकर आई है सब में उसका मालिकाना हक है, ना तो उसको बेच सकते हैं ना ही उसको गिरवी रख सकते हैं। बाद में कोई चीज खरीदी है, महिला ने खरीदी है तो स्त्री धन है वो, महिला के नाम पर है तो स्त्री धन है वो, पुरुष ने खरीदा है तो आधा आधा धन है दोनों का। दिस इज द लॉ। अगर कोई घर महिला के नाम पर है तो उसकी पूरी मालकिन वो है, अगर पुरुष के नाम पर है तो महिला और पुरुष का आधा आधा है, सॉरी साझा गृह, इसलिए उसका नाम है शेयर्ड हाउस होल्ड। पति ने खुद खरीदा है तो पिता का है तो वो उस पर अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता ने खुद खरीदा है तो वो दे नहीं दे उसकी मर्जी है पिता की। दादाजी की है, पिता की प्रॉपर्टी पर कभी हक नहीं है, पिता की प्रॉपर्टी पर कभी हक नहीं है। स्नेहा आहूजा का जजमेंट दिखाना पड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। पिता की प्रॉपर्टी मतलब पिता ने खुद कमाया है तो उसकी मर्जी है, वो आपको देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन दादाजी ने कमाया था, इनहेरिट है, इस पर तो बकायदा हक है, कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है क्योंकि पिताजी की कमाई हुई नहीं है प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए क्या लिखा आपने, स्त्री धन को बेच देना या गिरवी रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्सिबली टेकिंग अवे सैलरी इनकम और वेजेस, वेतन आय या मजदूरी को बलपूर्वक ले लेना। फोर्सिबली टेकिंग अवे सैलरी इनकम और वेजेस, महिला की वेतन आय या मजदूरी ले लेना। महिला जो पैसा कमा रही है उसका उपयोग वो खुद करेगी, पुरुष पैसा कमा रहे हैं उससे क्या क्या होगा ऊपर लिस्ट दे दिया मैंने, क्लॉथ, मेडिसिन, रेंट, पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉट अलाउिंग टू टेक अप एन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी या कामकाज करने से रोकना। नॉट अलाउिंग टू टेक अप एन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी या कामकाज करने से रोकना। हाँ दोनों ही में आ सकता है, क्या दिक्कत है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि जो मेंटल क्रुएलिटी हो जरूरी हो कि वो इकोनॉमिकल ना हो। किसी को चांटा मार दिया, चार दोस्त बैठे हैं उसके सामने महिला को चांटा मार दिया, ये कौन सी क्रुएलिटी है, फिजिकल है। और ऐसा ऐसा कौन से देवता ने कहा कि ये मेंटल नहीं होगी, उसका मेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तुमको पता ही नहीं है। फिजिकल इम्पैक्ट तो शायद थोड़ी देर बाद दर्द बंद हो जाए, देखो फिल्म निकाल के थप्पड़, पन्नू है उसमें तापसी, अच्छी फिल्म तुमने देखी ही नहीं और तुम समझ रहे हो वो फिजिकल क्रुएलिटी है। नहीं, मेरी समझ में तो वो खतरनाक मेंटल क्रुएलिटी है, खतरनाक, क्योंकि चांटा तो चला जाएगा, शायद 10 मिनट में चला जाए, शायद हो सकता है दर्द ही ना हो, लेकिन जो दिमाग पर असर है वो जीवन भर नहीं जाने वाला, लाइफ टाइम। तो जो फिजिकल क्रुएलिटी है वही मेंटल क्रुएलिटी है, जो इकोनॉमिकल क्रुएलिटी है वही मेंटल क्रुएलिटी है, मेरे भाई पुनीत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, किसी तरह के बिलों का भुगतान न करना, जैसे कि बिजली के बिल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्पोजिंग एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं का व्ययन कर देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि आप घर पे कहीं रह रहे हैं और एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है, जिनके घर के लिए बहुत जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गैस सिलेंडर, और रात को 11 बजे आपके दोस्त का कॉल आया और वो कह रहा है कि यार तेरे पास एक खाली मेरा सिलेंडर खाली हो गया है, भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा क्या, मैं तुझे 2 दिन में वापस लौटा दूंगा। और इसने शादीशुदा आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, शादीशुदा आदमी, इसको क्या करना चाहिए, शाबाश, पहले पूछना चाहिए, दोस्त को बोलना चाहिए कि रुक मैं चेक करके बताता हूं, उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं पूछकर बताता हूं, वो समझ जाएगा वैसे कि पूछकर बताओगे, लेकिन उसको कहना चाहिए मैं चेक करके बताता हूं। फिर पत्नी को पूछना चाहिए कि प्रिय प्राणेश्वरी मेरे फलां दोस्त का कॉल आया था, उसको गैस का सिलेंडर चाहिए, 2 दिन में दे देगा, अपना गैस तो अभी 15 दिन चलेगा, क्या दिक्कत है, बिना बताए अगर दे दिया है, यही है डिस्पोज करना। बेचना तो है ही, किसी को उधार दे दिया, गिरवी रख दिया, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज में, क्योंकि जैसे ही आप उसको बताओगे स्त्री को, तो समझना क्यों महिलाएं टॉप कर रही हैं एग्जाम्स में, उनकी मेमोरी खतरनाक है, वो बताएगी कि 1200 साल पहले कौन से दिन में आपने उस दोस्त से क्या मांगा था और उसने नहीं दिया था, उसको याद होगा।
वो बोलेगी कमीने ने हमको इतनी छोटी मदद नहीं करी, क्यों देना है उसे, बताओ कि खत्म हो गया है गैस। और आप कॉल करके बताओगे कि दोस्त दो दिन से हम स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं और तेरे को मैंने लिंक भेजा है, तू भी स्विगी से मंगा ले खाना, गैस हमारे पास भी नहीं है, तेरे पास आ जाए बल्कि हमको चार दिन के लिए देना। फोन काट दिया आपने, अब पत्नी बताई कि अब देखना दोबारा कॉल नहीं आएगा क्योंकि तुमने गैस मांगा है, वो नहीं देगा भरा करके गैस क्योंकि वो भी शादीशुदा है। आदमी की वैल्यू मैंने बताया था कि तुमको अगर आदमी की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला की रेस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, दिल पे ईंट रख रखा है उसने, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नहीं अगर चुनना हो तो रेस्पेक्ट ऑलवेज ऑलवेज, किसी के भी बारे में हम बात करें, एक हम कीमत के बारे में बात करते हैं वैल्यू ऑफ योर्स, और साथ में कोई है जिसकी हम सम्मान की बात, सम्मान हमेशा ऊपर रहेगा, ऑलवेज ऊपर रहेगा। अच्छा समझना इसको, अभी तो हमने मजाक में समझ लिया, इसको थोड़ा सा टेढ़े रूप में समझते हैं कि मान लो आपने दोस्त को दे दिया गैस का सिलेंडर, दे दिया बुला करके, पत्नी से पूछा ही नहीं, आपको अपनी वैल्यू दिखानी है, मेरी वैल्यू सिलेंडर भी ले जा चूल्हा भी ले जा। अब सुबह 7 बजे कल आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, मामा काका बुआ बुई सबको नाश्ते पर बुला रखा है, आपको नहीं पता, उसने सोचा क्यों तुम्हें टॉर्चर दें, करना तो उसको ही है, बनाना उसको ही है बेचारी को, तुमको बताया नहीं उसने कि तुमको कुछ करना पड़े, तुम काम से आए हो और ये मंदा ये लहजा मंद शाखों का लचक गया है, सोचा तुम आराम कर लो, तुमने दे दिया अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। अब सुबह कैसे होगा, इसीलिए वर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज, वो जिनकी बहुत आवश्यकता घर में है। और क्या पता सुबह 6:30 बजे बच्चे को जाना है स्कूल, उसको टिफिन बनाकर देना होगा, दिन भर वो पढ़ेगा वहां पर में, और गैस एक ही था जिसको तुमने दे दिया अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अब सुबह क्या होगा, स्विगी 6:30 बजे स्विगी वाले नहीं जागते, रात को जागे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमको ऐसे भी समझना चाहिए, ठीक बात है। लिखिए डिस्पोजिंग ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनी बॉन्ड डिबेंचर और डिपॉजिट, डिस्पोजिंग ऑफ एनी बॉन्ड डिबेंचर और डिपॉजिट, किसी तरह के निवेश का अन्य संक्रमण कर देना या व्ययन कर देना, किसी तरह के निवेश का अन्य संक्रमण कर देना या व्ययन कर देना। जैसे मान लेते हैं FD खरीद रखा है पति ने, पत्नी को बताया नहीं, इसके पास 12 लाख रुपए की FD है, क्यों नहीं बताया, ये सोच रहा है कि 12 लाख रुपए के कपड़े आ जाएंगे शॉपिंग हो करके, रखा है बचा करके, अब वो बेच करके खरीदना चाह रहा है इंश्योरेंस की पॉलिसी या कुछ और पैसे का यूज कहीं और करना चाह रहा है, तो लॉ बढ़िया बात कह रहा है, इस बात से तो आपको ऐसे ही समर्थन होना चाहिए। जब मैं कहता हूं ना पत्नी को पूछना चाहिए, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, मैं कह दूं बताना चाहिए तो शायद आप खुश हो जाओ कि मैं दोस्त को दे रहा हूं इसे बताना चाहिए, अब ठीक है, अब ये बोल रहा है हाँ वैल्यू बची है, पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ लो देना चाह रहा है दूं क्या। FD को तोड़कर आप पैसे कहीं और लगाना चाह रहे हो तो भी आप उसको कम से कम, लॉ हमारा कह रहा है बताओ, इन्फॉर्म करो कि मैं पैसे FD थे 12 लाख रुपए के, ये तोड़ करके मैं RD में डाल रहा हूं या इसका सोना खरीद रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, पूछो क्यों बताना है उसको, क्यों बताना है पूछो, अरे मर जाओगे तो उसके ही काम में आएगा, मतलब महान हो तुम यार, काहे के लिए कर रहे हो वो डिपॉजिट, तुमको पता है तुम कितने साल जीने वाले हो, वो पूरा पैसा कौन खाने वाला है, बैंक, तुमने उसको बताया ही नहीं है कि मैंने इतनी इतनी पैसे यहां यहां जमा करके रखे हैं, यही रीजन है कि बैंक्स जो है, अच्छा पहले कौन मरेगा, तुम ही मरोगे पूरी संभावना है, महिलाओं की एवरेज लाइफ ज्यादा है ना, बोलने में बड़ा कड़वा मालूम पड़ता है, महिलाओं की एवरेज लाइफ ज्यादा है, आपने सफेद साड़ी में बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, सफेद साड़ी में पुरुषों को कम ही देखा होगा, देखा किसी को, दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, रेयर मिलेंगे किसी के घर में विधवा दादाजी होंगे, मैक्सिमम के यहां दादी ही हैं, नानी ही हैं, उसका रीजन है कि महिलाओं की एवरेज लाइफ ज्यादा है, तो लॉ क्या कह रहा है उसको बताओ तो कम से कम, तुमने कहां पैसे रखे हैं जानकारी तो उसको, क्योंकि उसके बाद उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाने वाली है तुम्हारे जाने के बाद, बिकॉज शी इज डिपेंडिंग 200% ऑन यू, और ये क्या होगा, यही इकोनॉमिकल अब्यूज है, इसे कहते हैं आर्थिक दुर्व्यवहार, ठीक बात है। अगला पॉइंट लिखिए, फटाफट से लिखिए, एक दो पॉइंट और कंप्लीट करेंगे, कम से कम आज
क्या कहते हैं इसको, डोमेस्टिक वायलेंस का हमारा परिभाषा जो है यही तो खत्म हो। लिखिए नेक्स्ट, सेक्सुअल वायलेंस। लिखिए, लैंगिक दुर्व्यवहार है ना, सेक्सुअल वायलेंस इज लैंगिक दुर्व्यवहार। इसमें लिखना फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना। फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाना। दूसरा पॉइंट लिखिए, फोर्स्ड टू वॉच पोर्नोग्राफिकल कंटेंट, अश्लील साहित्य देखने के लिए विवश करना। अश्लील साहित्य देखने के लिए विवश करना, लिखा आपने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए चौथा, और लिखिए फिजिकल क्रुएलिटी, फिजिकल अब्यूज। शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार। लिखिए, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, इसमें निम्नलिखित आते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, मारपीट करना, दैट इज बीटिंग, मारपीट करना। ठोकर मारना, हिटिंग, ठोकर मारना। जैसे महिला पैर पड़ रही है और पुराने समय फिल्मों में देखा होगा, ससुर जी आशीर्वाद दीजिए, ससुर जी ने ठोकर ही मार दी, ठोकर मारना है ना। हिटिंग किकिंग, ठोकर मारना, लात मारना। धक्का देना, पुशिंग। स्लैपिंग, थप्पड़ मारना। फिर लिखिए, दांत से काटना, बाइटिंग। फिर लिखिए, मुक्का मारना, पंचिंग। फिर लिखिए, शोविंग, SHOVING, धकेलना, शोविंग। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, कॉजिंग एनी काइंड ऑफ बॉडीली पेन और इंजरी बाय एनी मैनर, कॉजिंग एनी काइंड ऑफ बॉडीली पेन और इंजरी बाय एनी मैनर, किसी भी तरीके से शारीरिक पीड़ा या शारीरिक क्षति पहुंचाना, किसी भी तरीके से शारीरिक पीड़ा, शारीरिक क्षति पहुंचाना। पांचवा एक प्रकार और लिख लीजिए, जो कि इस वाले प्रकार का भाग ही है, दैट इज डाउरी क्रुएलिटी। इसे कहते हैं दहेज हिंसा क्रुएलिटी, दहेज हिंसा। इकोनॉमिक क्रुएलिटी का पार्ट है, पांचवें तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि डाउरी क्रुएलिटी को अलग तरीके से सेक्शन 498 में समझाया है ए में। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें डाउरी क्रुएलिटी की बात अलग से की है, लिख लीजिए। लिखना, दहेज की कोई मांग करना, डिमांड्स फॉर डाउरी, डिमांड्स फॉर डाउरी। टू वुमन और हर एनी रिलेटिव, दहेज की मांग करना जो महिला से की गई हो या उसके किसी नातेदार से की गई हो, इसे कहा जाता है डाउरी क्रुएलिटी, यानी कि दहेज हिंसा शब्द हमारे पास में है। और डाउरी क्रुएलिटी की जब हम बात करेंगे तो यह डिफाइन किया गया है 498A में, आईपीसी में। डाउरी डेथ जो है 304B आईपीसी में है, और इससे रिलेटेड दो सेक्शन हमारे पास में है, और स्पेशली वन, दैट इज 113B एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। और डाउरी की डेफिनेशन और डाउरी के बारे में बातें कहां मिलेंगी, ये पूरा लॉ है हमारे पास में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। उन्नीस सौ इकसठ का कानून है ये,
हमारे पास समय रहा तो हम ये भी जरूर पढ़ेंगे लॉ, क्योंकि ये कुछ मामले ऐसे हैं जो सोशल इश्यूज कहलाते हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, और बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर आपको ये जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैटर आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस वाले ही कोर्ट में हैं, और यहां लिखा है कि जेएमएफसी के कोर्ट में इसकी कंप्लेन होगी, आप जो जज बनेंगे आपके पास इसकी कंप्लेन आएगी। अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है, अगर आपको इसके बारे में पता ही ना हो ठीक से तो पता नहीं आप जाकर वहां पर क्या काम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है जब आप जज बन जाएं तो आप लॉ के साइड से बात करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम पुरुष बन के बात कर रहे हैं या स्त्री, मेल ईगो हर्ट हो जाता है कई लोगों का, और कई महिलाएं ये सोच रही होती हैं, जैसे एक आदमी था उसने अपनी पत्नी को मारा कूटा कुछ कुछ किया और किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया, उस महिला ने आत्महत्या करी अपने दो बच्चों के साथ, इंदौर की घटना है, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आप सोचो कितनी सॉफ्ट हार्टेड महिला है, महिला का दिल सोचो, कह रही है जहां भी मिले ढूंढ कर लाओ और टांगे तोड़ दो उसकी। क्या किया जाना था उसके साथ में, कम से कम दो बार फांसी, लेकिन वो कितनी मतलब सोच रही अभी भी वो जिंदा रहे, बचे ही रहे। तो ये वाली कहानी कब बदलेगी, जब आप महिला होकर अलग सोचें, पुरुष होकर अलग सोचें, और जब आप जज बन जाएं तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉ की तरफ से सोचें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें, अपने प्रिजुडिस माइंड से बात ना करें कि आपको लगता है कि सब अच्छे होते हैं तो अच्छे ही होंगे, आपको लगता है सब खराब हैं तो खराब ही होंगे, ऐसी वाली कहानी ना सोचें। सोचें उस मैटर पे ये आदमी ठीक है या ये महिला ठीक है ना, अपने सारे नोशन सारी धारणाओं को छोड़ करके पुरुष और महिला होने से परे लॉ की तरफ से जज बनकर सोचेंगे तो काम होगा। ठीक बात है, आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। आज हमने समझा कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, कितने प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं जहां से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की। कल मैं आपको कुछ चीज़ें और नोट करवाऊंगा, और मैक्सिमम 3 से 4 दिन में हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे बताइए। आज की लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं।